नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से, और यहाँ देख सकते हैं कि आदित्य के पासवान जी ने कमेंट किया है कि पेज मेकर में अलग अलग कलर में कैसे लिखें। तो देखिए, मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था कि पूरा एक पेज कलर कैसे करें पेज मेकर में। ये वीडियो देखने के बाद आदित्य के पासवान जी ने कमेंट किया कि पेज मेकर में अलग अलग कलर में लिखना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन बताने से पहले आदित्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। और टेक्स्ट को अगर अलग अलग कलर में आपको लिखना है तो मैं आपको सिंपल दो तरीके बताता हूँ पेज मेकर में कैसे लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। और नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग कोई पेज वगैरह लेते हैं तो पेज जो पहला जो लुक आता है कुछ पेज का इस तरह आपको दिखाई देता है। तो बेसिकली जब हम लोग काम करना होता है पेज में तो पेज को थोड़ा एक्चुअल साइज करते हैं, तो पेज के किसी भी जगह पे आप माउस पॉइंटर रखिए। जनरली हम लोग बीच में पेज का बीच में माउस पॉइंटर रखते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है, उसके बाद एक्चुअल साइज पे क्लिक कर देते हैं। करने के बाद टूल बॉक्स में जाके ये जो हैंड टूल है, हैंड टूल पे क्लिक करते हैं और पेज को ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं अपने स्क्रीन के अनुसार। तो यहाँ पे पेज देखिए मैंने एडजस्ट कर लिया। अब रहा सवाल टेक्स्ट लिखने का, उसके बाद आप पहले या तो आप चाहते हैं कि टेक्स्ट लिखने के बाद भी कलर कर सकते हैं, और पहले भी आप कलर डायरेक्टली आप जिस कलर में आपको लिखना है वो भी आप कर सकते हैं। तो पहले जो तरीका है, जो सिंपल तरीका है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट लिखते हैं। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो टूल बॉक्स में है जो टी लिखा हुआ है, जिसे हम लोग टाइप टूल भी बोलते हैं, टेक्स्ट टूल भी बोलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और एक नॉर्मल एक टेक्स्ट ब्लॉक इस तरह हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने नाम लिख दिया। अब ये जो टेक्स्ट लिखा है थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसको सिलेक्ट कर दिया और नीचे जो कंट्रोल पैलेट है यहाँ से आप साइज़ वगैरह भी यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो टाइप, ये जो मेनू बार है, यहाँ टाइप में जाके भी यहाँ पे साइज है, यहाँ से भी आप इसको साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये साइज तो हो गया, टेक्स्ट का बढ़ गया। अब रहा सवाल, इसको आप जो भी आप टेक्स्ट लिखें इसको आप जो इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो कलर पैलेट है, तो यहाँ पे जो कलर पैलेट में बहुत सारे यहाँ पे कलर आपको डिफ़ॉल्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ से जो आपको कलर पसंद है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे रेड चाहिए, रेड पे क्लिक कर दीजिए तो ये कलर हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं, फिर अगर मान लेते हैं दूसरा अगर आपको कलर में लिखना है, जैसे मैंने इंटर प्रेस किया कर्सर नीचे आ गया, अब रेड के बजाय मुझे ग्रीन से लिखना है, तो आपको पहले ही यहाँ पे क्या करना होगा, कलर पैलेट में यहाँ पे आप जाके यहाँ पे ग्रीन वाला कलर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुमार लिख दिया मैंने, ये देखिए ग्रीन कलर में आ गया। अब चाहते हैं आपको ब्लू कलर में लिखना है, फिर इंटर दबाते हैं, फिर आपको यहाँ से कलर पैलेट में जाके यहाँ से आपको ब्लू कलर को चूज़ करना होगा, यहाँ से चूज़ कर लीजिए ब्लू कलर। उसके बाद यहाँ पे आइए, अपने जहाँ पे कर्सर आपको ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे आप लिख सकते हैं रियल। देखिए मैंने तीन कलर अलग अलग कलर से यहाँ पे टेक्स्ट को लिख दिया। आप चाहे तो अगर आपने पहले ही कलर, जैसे इसको अगर चेंज भी करना चाहते हो तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, जो टेक्स्ट आपने लिख दिया है सिंपली आपको इसी टूल से जिससे आपने टेक्स्ट टाइप किया इसी टूल से आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा इस तरह। दोबारा अगर आपको ब्लैक करना है इसको आप ब्लैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अलग अलग यहाँ पर तीन कलर यहाँ पर आपको दिखा दिया कैसे कलर करते हैं, सिंपल है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप स्टार्टिंग जब भी आप लिखिएगा तो यहाँ पे ब्लैक कलर ही आता है, डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आता है, ब्लैक कलर में ही यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं एकदम बिगनिंग से ही हम मुझे अलग अलग कलर लेना है, अलग कलर से ही लिखना है पूरा टेक्स्ट, तो आप सिंपली आप कुछ नहीं कीजिए, सिंपली इस तरह टेक्स्ट ब्लॉक बना लीजिए। पहले टेक्स्ट ब्लॉक बनाने के बाद उसके बाद जो कलर आपको चाहिए यहाँ से पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे रेड कलर चाहिए तो रेड पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप जो भी टाइप कीजिएगा यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे थैंक्स लिख दिया तो देखिए रेड कलर आ गया। जो भी मैं लिखूँगा अब सिर्फ रेड ही रेड आएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ पे मैंने पहले ही बिगनिंग में रेड कलर सिलेक्ट करके रख दिया है यहाँ पे। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से कलर अगर चेंज करना है, अगर दूसरा कलर लिखना है फिर इंटर दबा दीजिए, फिर यहाँ से आप दूसरा कलर यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप दूसरा कलर चाहिए या ब्लू कलर या जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए मैंने मैजेंटा ले लिया, मैजेंटा से यहाँ से कलर इस तरह आप
टेक्स्ट को अलग अलग कलर कर सकते हैं, या पहले ही आप पूरा का पूरा जितने सारे टेक्स्ट हैं पहले आप टेक्स्ट टाइप कर लीजिए, उसके बाद एक एक करके इस तरह टेक्स्ट को आप टेक्स्ट ये जो टेक्स्ट टूल है इससे आप सिलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट को इस तरह सिलेक्ट कीजिए। अब जो कलर आपको करना है अलग अलग कलर करना अलग अलग, अब उसके बाद इसी तरह यहाँ से कलर आपको कर लेना है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बिगिनिंग से भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, जैसा आपको दिल करे आप काम कर सकते हैं, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे देखिए तीन कलर मैंने एक ही टेक्स्ट के अंदर देखिए अलग अलग यहाँ पे देखिए दो कलर ऐड कर दिए। सिंपल है, आपको सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए। अब ये रहा सवाल, ये जो कलर का जो पैलेट यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा होता है कि कलर पैलेट नहीं दिखता है राइट हैंड साइड में, अगर मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे कहीं भी आपको कलर पैलेट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कलर पैलेट लाते कैसे हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेनू बार है, यहाँ विंडो में जाइएगा, इस विंडो में क्लिक कीजिएगा, अब नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए शो कलर्स, यहाँ पर इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है Ctrl+J, कंट्रोल के साथ जे लेटर प्रेस कीजिएगा तो ये आपका कलर पैलेट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कलर पैलेट आ गया, और इसी तरह कलर हम लोग करते हैं। आप यहाँ से आप जो कलर चाहिए लेकिन आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, जो टेक्स्ट को अलग करना है यहाँ से सिलेक्ट करते जाइए, या डायरेक्टली आपको चाहिए कि कलर यहाँ पे जैसे ब्लैक कलर है आप चाहते हैं ब्लू कलर करना है, कर्सर यहाँ पे है, सिंपली आप ब्लू कलर पे क्लिक कीजिए, ब्लू कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो आपको टाइप करना है कर सकते हैं आप टाइप। और रहा सवाल कलर कैसे क्रिएट करते हैं, इस रिलेटेड मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल अपलोड कर चुका हूँ, तो आप मेरे पेज मेकर के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा पेज मेकर से रिलेटेड। अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं पेज मेकर से संबंधित तो कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।